श्रीमान श्री मुबे अल्वार इलेगिल्ली श्रीनिवास गुवराहाचार्य स्वामी तिरुपेरणार गौरविक्कप्पट्टार मत्तोरु तिरुपेरणार श्रीमान श्री मुबे इलेगिल्ली सकजित स्वामी श्रीमान श्री मुबे अल्वार श्रीनिवास गुवराहाचार्य स्वामी महाराज बहुत बड़े विद्वान थे हमारे धर्म के। उनके एक पौत्र का सत्कार कुछ ही देर पहले हुआ था और उनके दूसरे पौत्र श्रीमान श्री हुए षटजित स्वामी जी महाराज, षटजित माने शकोप स्वामी जी महाराज, जिन्होंने शकवायु के प्रति कोप किया हो, जिन्होंने शकवायु को जीता हो, वे शकोप षटजित कहलाते हैं। तो उनका नाम बहुत अद्भुत नाम रखा गया उनके दादाजी द्वारा, बहुत अच्छे वक्ता है। उनके बारे में एक बात तो अवश्य बोलनी चाहिए, एक बात 7 साल के जब थे तब से वे प्रवचन कर रहे हैं और 7 साल के जब थे प्रवचन 1.5 घंटे रोज 30 दिन 1.5 घंटे एक एक दिन त्रिपावी प्रवचन यदि 7 साल में कोई बच्चा किया हो तो आगे भी कोई नहीं पीछे भी कोई नहीं है। और आज भी हमारे कहते हैं हमारे बच्चों को जब डांटते हैं तब हम यही बोलते कि देखो षटजित को वो कैसे हुआ, कैसे आया, बड़ा हुआ है, उसको देखो 7 साल का था तभी प्रवचन करने लगा, तू कब करेगा। ये रोज तो सुनाना पड़ता है इन लोगों को, इनकी वजह से इन लोगों को रोज डांट पड़ती है बच्चों को घर पे। तो ऐसे अच्छे विद्वान हैं तो उनका सत्कार स्वामी जी महाराज द्वारा किया जाएगा। स्वामी 7 वयस குழந்தையா இருக்கும் போதே திருப்பாவை பேச தொடங்கியவர். திருவல்லிக்கேணியில் நம்பிட்ட சன்னதியில ஸ்ரீமான் ஸ்ரீமுகே வெங்கடேஷ்ணமாச்சாரிய சுவாமி அவர் ஏற்பாடுனா 5 வயசுலேயே ஆரம்பிச்சிட்டார் பிரச்சனைகளை பண்றதுக்கு. ஆனா 7 வயசுல இருக்கும் போது ஒரு நாள் 1.5 மணி நேரம் 1.5 மணி காலம் 30 அதை பாக்குறதுக்கே அடி போயிருப்போம், இது எப்படி சாத்தியம்? ஏன்னா நமக்கே 1.5 மணிக்கு மேல நாக்கு தடுறது என்ன சொல்றதுன்னு தெரியறது இல்ல, நீதி கால் மணி எப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்றதுன்னு இந்த பக்கம் அந்த பக்கம் பாக்குறோம். ஒரு குழந்தை 1.5 மணி நேரம் பேசுறாருன்னா எப்படி பேசுறாருன்னு பார்க்கணும். அதுக்கே ஆசை, அதுக்கே எங்களுக்கு உபன்யாசங்கள் இருந்தாலும் ஒரு சில நாள் போகிறது உண்டு, நேரம் ஒதுக்கி அந்த அந்த தரிசனத்தை கிட்ட பெறணுங்கிறதுக்காகவே போகிறது உண்டு. அப்படி பெரிய சாதனைகள் புரிந்தவர், ஆழ்வார்த்த நகர்லயே இருந்து கொண்டு கைதறி பண்ணுறார். இன்னொன்று முக்கியமாக சொல்கிறோம், போன வருஷம் புயல் மழையாக தான் வந்ததா, அந்த புயல் மழையிலையும் கூட ஆழ்வார்த்த நகர்லேயே ஸ்தம்பித்துக்கு வச்சிருந்த புயல் மழையில் அவர் மொட்டை மாடியில் எங்கேயோ போய் ஏறி உட்காந்துட்டு எந்த சிக்னல் கிடைக்கிறதோ ஒரு மூலையில் அந்த இடத்த அவர் பிடிச்சிட்டு மொபைலையோ இல்லை லேப்டாப்பையோ கட்டப்பட்டு வச்சுட்டு மழை வராதுக்கு கொடையெல்லாம் வச்சுட்டு அவங்க அம்மா பக்கத்தில் நின்று கொண்டு திருப்பார் உபன்யாசம் ஆன்லைனில் சொல்லி முடித்தார். அது நிற்கக்கூடாது அந்த எம்பிக்கு விசேஷம் பகத் பாட் ஆயிடுச்சு, பகத் பாட் ஆயிடுச்சு. தோ பூரே ஷஹர் ஜோ ஹே வோ லக்பக் டூபி கயா சம்ஜோ. तो उन्होंने तब त्रिपाल प्रवचन कर रहे थे तो उन्होंने सोचा कि ये अभिलंब होना चाहिए करके छत के ऊपर चढ़ करके कोने पे टावर कहीं से सिग्नल एक दो जो आता है ना उसमें वो एक दो लाइन जो जो है वो प्राप्त हो रहा था तो वहाँ वो छाता लेकर के बैठ करके ऑनलाइन में प्रवचन दिए त्रिपाल, क्योंकि वो वाक यज्ञ जो है वो लगातार चालू रहना चाहिए कि वो अधूरा ना रह जाए। तो उसके लिए बहुत परिश्रम किए, बहुत अच्छे विद्वान हैं। उनका सद्भाग्य है कि आप लोगों का बड़े बड़े आचार्य गण भी पधारे हुए हैं तो आप लोगों का मंगलाशासन आशीर्वाद उनको आज प्राप्त हुआ है। बहुत अच्छी बात है।